नमस्कार है भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी लोग कैसे हो? जरूर कमेंट में बताना आप लोग अभी कैसे हो, आपके हाल और चाल कैसे हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, इस समय पर इंडिया देश के अंदर बिहार स्टेट में जो बीपीएससी द्वारा एक एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, जिसका जो है 68, यानी कि बीपीएससी 68 कॉम्पिटेटिव, यानी कि 68वां, इससे पहले 67 बार करवा चुके हैं सेम इन्हीं पोस्ट के लिए एग्ज़ाम। ठीक है, तो 68 बार जो इस कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसमें कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आपकी काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, उसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुआ था। तो इनका फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है, ना कि आज आया, इससे पहले ही आ चुका है। ठीक है, इसका रिजल्ट काफ़ी पहले आ चुका है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लगभग 800 के करीब लोग हैं, जो 324 के करीब वैकेंसियों पे लोग सिलेक्ट हुए हैं बीपीएससी 68 कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो इसके लिए आई है कि आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो भी अपना इसमें एग्ज़ाम दिया था, तो इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, मतलब कि भाई आप लोगों की जो आंसर बुक है, ठीक है, जो जिस जो आंसर शीट्स हैं आप लोगों की, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके लिए पूरा 1 वीक का समय यहाँ पर बिहार स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली बीपीएससी विभाग, जो कि इसके अंदर रिक्रूटमेंट करवाने के लिए एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस करवा रहे थे, उनके द्वारा एक नोटिस आ चुका है आप लोगों का वेबसाइट पर, जिसके अंदर साफ साफ यही लिखा है कि भाई जिन भी लोगों ने बीपीएससी 68 कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया है बिहार स्टेट में, जो कि अलग अलग बड़े बड़े पोस्टों के लिए दिया है, वो पोस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि भाई अपना जो आंसर बुक है वो आप लोग 6 से लेके 12 मार्च के बीच पूरे 1 वीक के अंदर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आंसर बुक्स। भाई आप लोगों ने कि जो अपनी आंसर शीट है जिसमें आप आंसर करके आए हो, वो आंसर बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं होगा आप लोगों को मिलेगा ये आंसर बुक डाउनलोड करने का। जो भी लोग बीपीएससी 68 कॉम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देकर आए हैं स्टेट बिहार में, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है। ये एग्ज़ाम होता है इसलिए, बेसिकली स्टेट के अंदर कुछ गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, स्पेशली पुलिस के अंदर भी होते हैं, मैं सारी पोस्ट अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए इसका इसका क्या है, 68 का प्रीलिम्स हो लिया है, मेंस हो लिया है, इंटरव्यू भी हो लिया है, जो चीज़ें प्रोसेस हो गए हैं मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है कि कितने लोग फाइनली सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अभी लोगों का अभी अभी क्या चल रहा है इस रिक्रूटमेंट में, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। और जो लोग मुझे इंडिया देश में किसी भी स्थान से सुन रहे हैं ना, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से, किसी भी स्टेट से, आपके लिए ही वीडियो खास है, ना कि दूसरे कंट्री वालों के लिए। चाहता तो मैं उनके लिए भी कंटेंट ले आता, लेकिन मैं आपके लिए लाया स्पेशली इस वीडियो में कि मैं आपको बताऊँ इंडिया वाले लोगों को कि भाई आपका जो बिहार स्टेट में बीपीएससी 68 कंबाइंड एग्जाम हो रहा था, उनके लिए यहाँ पर आपका इवेल्युएटेड आंसर बुक्स की भाई किस किस ने जो भी अपने आंसर आंसर शीट रही होगी, जो भी आप एग्ज़ाम कर आए हो सेंटर पे जाके, तो वो आंसर बुक्स जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिकली उसको देख सकते हैं, जो कि 6 से लेके 12 मार्च के बीच आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो लोग नए हैं, जो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, तो आपको बता दूं ये हर साल एक एग्जाम होता है स्टेट बिहार के अंदर, इंडिया देश के, जिसके अंदर बड़े बड़े स्टेट गवर्नमेंट्स में पोस्ट होते हैं, जिसके ऊपर ये रिक्रूटमेंट कराने के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से, एज लिमिट के हिसाब से लोगों से कहते हैं कि भाई आपकी एज अगर इससे इसके बीच में है और आपकी ये क्वालिफिकेशन है, ये कोर्स पास आउट आप हो, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरो, इसका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू डीवी चार प्रोसेस निकालो, आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। तो ये सिंपल से 4 स्टेप के बाद ये आपको वैकेंसियां मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ बिहार के लोग एलिजिबल रखते हैं, इसके अंदर ऑल इंडिया, आप कर्नाटका से चले जाओ, केरला से चले जाओ, ओडिशा से चले जाओ, इंडिया देश की किसी भी यूटी और किसी भी स्टेट से चले जाओ, इस वैकेंसी को लिया जा सकता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये 68 हुआ, अभी 69 का चल रहा है प्रोसेसिंग में, इस तरीके से 70, 71, इस तरीके से हर साल होता है ये एग्ज़ाम। तो आप लोगों को अगर देना हो तो आप 25 के लिए फॉर्म भर सकते हो, जो आपका 2025 वाला फॉर्म आएगा उसको भर देना, जिससे कि 2025 वाला जो आप लोगों का 70 या 70th, इसमें तो जो भी होना है वो आप लोग दे सको। सिलेबस बहुत आसान होता है इसका, सिलेबस आसान है, एग्ज़ाम पैटर्न आसान है, बहुत आसान सा एग्ज़ाम है, उसको देकर आसानी से इसको लिया जा सकता है। तो आप लोग ले जरूर, ठीक है, इस पोस्ट को। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, बिहार में ही करनी होगी और बिहार में ही एग्ज़ाम देने जाना होगा, इस बात का ध्यान रखना। पूरे इंडिया से कहीं से भी चले जाओ, इस वैकेंसी को लेने जा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो
इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई आपको जो आंसर बुकलेट है, आंसर बुक जो है वो कब से कब तक डाउनलोड होगी और कैसे डाउनलोड होगी, बेसिकली कैसे देखी जाएगी, उसमें क्या कुछ होगा, उसके बारे में जो नोटिस आया वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर BPSC का वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोगों को 2 से 3 रिक्रूटमेंट आज के दिन ही आए हैं वो आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और दिखेगी यहाँ पर, जो कि BPSC 68 कॉम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ था उसकी इवेल्युएटेड आंसर बुक्स जो हैं वो लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी 6 से लेके 12 मार्च के बीच, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हो, ये आज का नोटिस है, तो ये नोटिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इसमें आप लोग जाकर देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस रिक्रूटमेंट की जिसका नोटिफिकेशन 2022 ईयर में आया था, और इसके लिए आप देख सकते हो उन्होंने कहा था विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं और संवर्ग के लिए हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग एलिजिबल हो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए कंडीशन थी। आप देखोगे यहाँ पर इनको चाहिए था पुलिस उपाधीक्षक, इनको पुलिस उपाधीक्षक चाहिए था जो कि गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट में RC शाखा के अंदर। इसके अलावा इनको जिला समादेष्टा यानी कि गृह विभाग के अंदर विशेष शाखा जो है उसके अंदर चाहिए था। इसके अलावा आप देख सकते हो जिला अग्निशमन पदाधिकारी यानी कि फायर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर। इसी के अलावा काराधीशक, ठीक है, और इसके अलावा राज्य कर सहायक आयुक्त, ये सब लोग इनको रिक्रूट करने थे अलग अलग विभागों में। बड़े बड़े पोस्ट है दोस्तों स्टेट के अंदर, स्टेट बिहार में, तो उसके लिए इन्होंने बोला था आपको लेवल 9 का सैलरी देंगे। टोटल वैकेंसी इन्होंने बता दी थी कि किस वर्ग में कितनी है। मान के चलो कोई कैंडिडेट इसको लेने जाता है इस वैकेंसी को केरला से, कहता है मैं केरला से आया हूँ मेरे को ये वैकेंसी चाहिए बिहार में, तो वो ले सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है ना दोस्तों कि वो लोग जनरल से ही आपको वैकेंसी देंगे, मतलब वो लोग आपको ऐसा नहीं कि आप अपने स्टेट या अपने जगह पर SC ST हो तो आपको उसी रिजर्वेशन से वैकेंसी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। वो लोग आप लोगों को जनरल से वैकेंसी देंगे, एक्चुअली दे रहे हैं वो भी अच्छी बात है। अभी देखिए इसमें एज जो अप्लाई करने की होती है 20, किसी में 22 मिनिमम इतनी एज चाहिए होती है, ठीक है, मैक्सिमम भी लिखी है तो आप देख सकते हो। ये बिहार स्टेट के अंदर जॉब जाती है, और प्रोबेशन पदाधिकारी पोस्ट होता है, सहायक निबंधन निबंधक, सहायक सहयोग समितियां के अंदर आप लोगों का सहकारिता विभाग के अंदर वैकेंसी आ जाती है, और इस तरीके से वैकेंसी आती है। तो टोटल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारी वैकेंसी लिखी हुई है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की पोस्ट आती है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये कोई छोटे मोटे ऐसे, मतलब ये नहीं कह रहा कि ये कोई ऑफिस में जाकर कोई नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, वो नहीं है। ये पोस्टें थोड़ी अच्छे लेवल की होती हैं स्टेट में, एक मतलब गवर्नमेंट्स में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट्स में लोग हैं उनके बाद जो लोग स्टेट में आ रहे होते हैं वो ये लोग होते हैं बेसिकली, जो अलग अलग विभाग को संभाल रहे हैं एक बड़े पोस्ट पर रहकर, तो वो चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए एग्ज़ाम होता है, ना कि सिर्फ बिहार स्टेट अपना करवाता है, हर स्टेट अपने अपने खुद के करवाते हैं इस इन पोस्टों के लिए एग्ज़ाम। तो ज़रूरी नहीं है कि बिहार में ही जाएं एग्ज़ाम देने, इस रिक्रूटमेंट को बिहार में ही जाकर लिया जाए, और स्टेट में भी जाकर ली जा सकती है ये वैकेंसी, वहाँ पर भी आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई पुलिस उपाधीक्षक जो है वो सिर्फ बिहार के लोगों को ज़रूरत है, ऐसा तो है नहीं। तेलंगाना में भी चाहिए, कर्नाटका केरला में भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो ये वैकेंसी इस तरीके से आती हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी हर साल आती हैं। इस साल का भी अगर जो 24-25 वालों का नोटिफिकेशन है उसमें अभी समय है, वो जब आएगा तो आपसे डिस्कस होगा, तो इस तरीके से आपका रहेगा सारा वैकेंसी होगा। ये 22 वालों का बता रहा हूँ मैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था। टोटल वैकेंसी इसमें 281 थी, जिसमें से सिर्फ महिलाओं की 77 वैकेंसी थी रिजर्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या इन एक एक पोस्ट पर अगर एलिजिबिलिटी समझाने बैठूंगा आप लोगों को तो समय चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये लिखा है कि कैंडिडेट को एलिजिबल ये चाहिए कि वो स्नातक हो, बेसिकली वो बैचलर डिग्री पास आउट हो किसी भी फील्ड में। हालांकि कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि इस पोस्ट के लिए तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, वो उसी फील्ड में होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखोगे यहां पर जो आप लोगों को पोस्ट लिखे हुए हैं, ये पोस्ट इन्होंने 1 से लेकर 21 तक लिखे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने जब क्वालिफिकेशन बताई तो इन्होंने कहा जो आप लोगों का 1 से लेकर 21 तक है ना, उसको छोड़कर, वो तीसरे नंबर वाले वैकेंसी को छोड़कर, बाकी सबके लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी पोस्टों में ये कहते हैं कि आप लोगों को जैसे कि जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनना है तो उसके लिए विज्ञान संकाय से स्नातक होना चाहिए, बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस से उसका जो है डिग्री होना चाहिए उस फील्ड में, तो वो फॉर्म भर सकता है। तो एक ही दो पोस्ट ऐसी होती है जो एक फील्ड की डिग्री मांग रही होती है, वो बाकी सारी मोस्ट ऑफ द पोस्ट और सिर्फ बैचलर डिग्री पर ही आती हैं,
कि कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री है किसी फील्ड की है तो उसको हम ले लेंगे। अब बात आती है इसके अंदर जो रिजर्वेशंस होते हैं, आपको आरक्षण होते हैं, वो स्टेट के ही होते हैं, ठीक है, बाहर वालों के नहीं होते। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी लिखा है, उसको आप देख सकते हो। देखिए इन्होंने लिखा है बिहार के मूल निवासी होंगे तभी उनको रिजर्वेशंस मिलते हैं। साफ सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट आपका जो है रिक्रूट कर रही है तो बाहर वालों को रिजर्वेशन जो है वो नहीं देगी। ये कंडीशन पहले से ही है, इसके एक्ट और रूल पहले से ही बने हुए हैं इंडिया देश में गवर्नमेंट द्वारा, जो कि पार्लियामेंट में पास होते रहते हैं, और उसी के बिहाफ पर ये आपके लिए है। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि भाई आप लोगों के रिजर्वेशन इसके अंदर सिर्फ बिहार के लोगों के होते हैं, बाहर वालों को जनरल से मिल जाती हैं, लेकिन मिल जाती हैं उनको वैकेंसियाँ, उनको मना नहीं होता। देखिए बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होता है, वो जनरल से वैकेंसी ले सकता है, तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा लोगों को समझ आए कि मैं कौन से रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत समझ आए लोगों को। तो उसके लिए मैंने फाइल खोला हुआ है नोटिफिकेशन का, और इन्होंने साफ साफ बताया कि कब से कब तक फॉर्म भरा गया था, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और इस एग्ज़ाम में आप लोगों को बता दूँ, प्रीलिम्स होता है, प्रारंभिक परीक्षा, जिस उसमें उससे बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, बेसिकली उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए ना, तो आप ये समझ लो कि आपको कुछ आता ही नहीं था इस पोस्ट के लिए, आपने ऐसे ही फॉर्म भरा, क्योंकि प्रीलिम्स तो बहुत आसान होता है इसका, फिर मेंस भी थोड़ा सा इसके प्री से थोड़ा जो है हार्ड रहता है। बस मेंस निकाला, प्री निकाला, और उसके बाद इंटरव्यू, डीवी, बस इसी से ये रिक्रूटमेंट्स मिल जाती हैं। आपको बता दूं मेंस के अंदर आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स में से चुनना होता है किसका एग्ज़ाम देना है, ये सब प्रेफरेंस आपकी रहती है, आपकी मर्जी से, ठीक है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी होते हैं, तो वो सब यहाँ लिखा है, देखिए देख सकते हैं, ऐच्छिक विषय की सूची, ठीक है, मतलब आप लोगों का सामान्य हिंदी अध्ययन ये सब तो आता ही है, इसके अलावा आप लोगों से इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेना ही होता है इनमें से सब्जेक्ट, ऐसा ना सोचें कि हमने इसको छोड़ दिया, हमको इसमें से चुनना ही होता है सब्जेक्ट को जिससे कि हम उसका एग्ज़ाम दे सकें। अभी मैं एक वीडियो करूँगा आप लोगों के लिए कि भाई बीपीएससी की जो 60 जो आप लोगों की नेक्स्ट 70 या 71 जो भी है अब आगे वाला, तो उसके लिए मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा कि भाई इसकी रिक्रूटमेंट के लिए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सारा कुछ होता गया है। ये दोस्तों जैसा आप ये समझ लीजिए, जैसे दूसरे स्टेट में जो पीसीएस एग्जाम है ना, वही आप समझ सकते हैं कि बिहार स्टेट का पीसीएस है, ठीक है, तो वही है ये। हाँ, इसका नाम इन देखिए स्टेट ने अपने अपने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रखे हैं या फिर उनके नाम ऐसे ही शुरू से चले आ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। हालांकि ये वहीं पर आप देखोगे तो यूपी स्टेट में वो लोग पीसीएस कहते हैं, वहीं पर दूसरे स्टेट में उसको कुछ और कहा जाता है। जैसे आप जानते हो कि भाई इंडिया देश के अंदर हम 11th 12th कर रहे होते हैं, तो वही लोग जब 11th 12th जिस क्लास को कह रहे होते हैं, वहीं कर्नाटका में उसको पीयूसी कह देते हैं। मैंने परसों ही एक चीज़ देखी कि कर्नाटका स्टेट में 11th 12th क्लासेस को पीयूसी कह रहे हैं, बाकी पूरा देश उस क्लास को 11th 12th कह रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि 10th के बाद लोगों के कॉलेज चालू हो रहे हैं, 11th 12th जो कर रहे हैं वो लोग कॉलेज से कर रहे हैं, बेसिकली स्कूल में दस्तक हो रहा है, कहीं कहीं 12th 12th तक स्कूल चल रहा है। तो अलग अलग पैटर्न अलग अलग जगह लोगों के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके का इन्होंने क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। जैसे आप देखोगे, आप इसमें देखो, ये 11th 12th को पीयूसी बोलते हैं कर्नाटका में, वहीं पर आप दिल्ली आ जाओ तो उसको 11th 12th सिंपल बोलेंगे, ठीक है, वहीं आप पंजाब में चले जाओ तो वही उसी चीज़ को ऐसे ही बोलेंगे। तो ये तरीका है, अब इसको इनको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया लोगों के लिए, 11th 12th ही रखते या तो पीयूसी ही रखते पूरे इंडिया में। अब ये कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है, लोग सोचते रह जाए भाई पीयूसी क्या है, मैं खुद सोच रहा था परसों की क्या है ये, तो फिर उसके बाद पता लगा कि 11th 12th को कहते हैं पीयूसी, ठीक है, कर्नाटका में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से इनका जो है यहाँ पर ये लोग बीपीएससी में 68 69 से नाम से कह रहे हैं, वहीं अगर देखोगे तो ये तो बिहार में कह रहे हैं, दूसरे स्टेट में आप देखोगे तो ये लोग पीएससी और पीसीएस नाम से जो है इसको बोलते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम इसको कहते हैं, स्टेट पीसीएस इसका नाम ये है। तो एक कन्फ्यूजन एक पॉइंट हो जाता है लोगों के लिए, अब लोग समझ भी नहीं पाते और इसका रिक्रूटमेंट आके चला जाता है, या तो जनरल एक जैसा नाम रखो तो सबको समझ आए कि किस चीज़ की वैकेंसी आई है, ठीक है। ये सब ऐसे ही मैं जनरली बता रहा था आप लोगों को, बेसिकली आप लोगों का जो बुकलेट है आंसर बुकलेट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो ये नोटिफिकेशन है, आप समझ सकते हो कब से कब तक फॉर्म लिए गए आप लोगों से, क्या एज चाहिए थी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थी, और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। हालांकि बन चुकी है, रिजल्ट आ चुका है फाइनल वाला, लोग सिलेक्ट हो गए हैं इसके लिए, सिर्फ आंसर बुकलेट लोगों को देखनी है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग करते हैं लोग, ठीक है, आंसर गलत करने पर आपसे कह रहे हैं कि हम आपके जो है नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर कोई गलत करके आ गया है तो उसके मार्क्स,
नेगेटिव में जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसी में आगे चलूंगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आपका फॉर्म इसमें भरा गया था 2022 के दिसंबर में फॉर्म भरा गया था, इसका एग्ज़ाम चला था, इसका प्रीलिम्स का 23 में चला था, मेंस हुआ था। ठीक है, ये सब 23 ईयर में हो गए। अब ये इसको साल भर लग जाते हैं इस एग्ज़ाम को कराने में, क्योंकि पूरा स्टेट इस रिक्रूटमेंट के लिए बिजी हो जाता है, लोग फॉर्म भी ज़्यादा भरते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है, इसको आप समझ लेना। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसी के अंदर, आप देख सकते हो ये आप लोगों का है फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट में जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो 800 से भी ज़्यादा थे, आप देख सकते हो, लगभग देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग, 867 उम्मीदवार को जो है साक्षात्कार दिनांक उनका हो गया, इंटरव्यू भी हो गया उनका। बेसिकली कुल उसमें से आप देख सकते हो 817 ऐसे वहाँ पर लोग गए इंटरव्यू देने। तो फाइनली इन्होंने जो यहाँ पर लिस्ट निकाला है, ये जो लोगों का सीरियल वाइज लिस्ट निकाला है आप देख सकते हो, तो अगर हम देखें इसका पूरा टोटल एडअप मारे तो ये करीब करीब कितने लोग हैं, तो ये पूरी लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं आप अगर ये जानना चाहो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर इन्होंने लगभग 800 से ज्यादा, देखिए 812 ऐसे लोग हैं जो लोग फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए, ये लोग वो हैं जो फाइनल इसमें रिजल्ट को पास कर पाए हैं, और इनको एलोकेट भी हो गया, एलोकेटन रिजर्वेशन रोस्टर वैकेंसी, मतलब जैसे आप देखोगे तो बिहार पुलिस सर्विस यानी DSP का पोस्ट मिला है 8 लोगों को, DC का मिला है, DFO का कितने लोगों को मिला है, तो ये सब आप देख सकते हो। ये रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, याद हो तो, ये मैंने आपसे जनवरी मंथ में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि भाई किस किस की कितनी रैंक आई है, बेसिकली मेरिट सीरियल में ऑल इंडिया रैंक होती है ये, ठीक है, और इसके अलावा किसको कौन सा पोस्ट मिला है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये लोग वो हैं जो लोग फाइनली इसमें सिलेक्ट हुए हैं, फाइनल रिजल्ट है आप देख सकते हो, का अंतरिम अंतिम अंतिम परीक्षा फल है, यानी कि फाइनल रिजल्ट है ये। ठीक है, हाँ, इन सब ने मेंस प्री और इंटरव्यू सब निकाले, ये फाइनल रिजल्ट में आए हैं ये सारे लोग। ठीक है, इनका इंटरव्यू भी हो गया था, सब हो गया था, ये फाइनल रिजल्ट है। अब इनके इसके बाद इनका DV और बाकी चीज़ें रह गई थी। अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों के आंसर बुकलेट आ चुके हैं जो कि परसों से, आज कल से आ जाएंगे, कल से आप लोग देख सकते हो। ये इन्होंने आज नोटिस निकाला है जिसमें कहा है इस एग्ज़ाम में जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनको बता दें कि आप लोग अपना जो है अपना रोल नंबर डालकर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी जो है मूल्यांकन यानी मूल्यांकित मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट, बेसिकली आंसर शीट जो कि इवेल्युएट हो चुकी है, मतलब जो कि चेक होकर जिसका रिजल्ट जिसके बिहाफ पर आपका रिजल्ट बना है, तो सभी लोगों से कहूँगा जिनका भी रिजल्ट आ गया था, आप लोगों ने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, लेकिन आप लोगों को साफ साफ यही कहूँगा कि आप लोग अपनी आंसर शीट को देख सकते हैं, कल से लेकर 12 मार्च तक देख सकते हैं, BPSC के वेबसाइट पर आप लोगों को लॉगिन करना होगा, वहाँ से देख लेंगे। तो इस तरीके से देख लेना, कोई डाउट रह जाए कि भाई हम नहीं देख पा रहे, लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैंने आपको इसके बारे में नोटिस यहाँ दे दिया है। ठीक है, यही नोटिस इस वीडियो में डिस्कस होना था, कोई डाउट हो तो बताएं और इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएं। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।